उधर बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम सांसद मौजूद रहे। स्थापना दिवस को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, इस मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने, सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। संसदीय दल की बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ संदेश दिया? भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसको एक पखवाड़े के रूप में मनाने का और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ कितना किस सीमा तक मिला है उन लाभार्थियों तक पहुंचने का और अलग अलग दिन में अलग अलग उत्सव मनाने का ये कार्यक्रम होगा, जिसका मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको दिया है। आखिरी सवाल सर, अंबेडकर जयंती के मौके पर भी बीजेपी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, उसको लेकर भी क्या कोई संदेश दिया गया? निश्चित रूप में अंबेडकर जयंती पर भी पूरे देश भर में अंतिम छोर तक के गांव तक भी ये कार्यक्रम होंगे और पूरी पार्टी और सभी सांसदगण, सभी जनप्रतिनिधि इसमें जुटेंगे और इसको भव्य बनाएंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।